नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने एकदम हिंदी में धमाल मचा कर आए हैं, वैसे ही दोस्तों आप लोगों को ना कल के मैथ के पेपर में एकदम गर्दा उड़ा कर आना है, 100 में 100 एकदम छाप कर मैथ में आना है। तो अभी हम इस वीडियो में आपको वह क्वेश्चन बताने वाले हैं जो 100% एकदम हूबहू यही लड़ेगा। अच्छे से आप इसको याद कर लेना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारा 100% वायरल क्वेश्चन आपको यहीं से मिल रहा है, ठीक है ना। तो अच्छे से आप सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि माध्यक का 3 गुना और माध्यक का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है, तो बहुलक कहलाता है, जो हर साल एग्जाम में आता है यह क्वेश्चन, तो आप लोग टिक लगा देना सी नंबर पर। अगला क्वेश्चन है, एक घड़े की मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो 6 डिग्री का कोण बनाती है, आप 6 डिग्री पर आंसर टिक लगा देना दोस्तों, दूसरा का आंसर आपका मिल जाएगा 6 डिग्री। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आधार की त्रिज्या आर, ऊंचाई एच वाले लंब वृत्तीय बेलन का आयतन किसका, बेलन का आयतन क्या होगा दोस्तों, तो बेलन का आयतन पूछा गया ना, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, लंब वृत्तीय बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, आपका आंसर मिल जाएगा दोस्तों डी नंबर वाला। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बिंदु -6.10 के कोटि क्या होगा, दोस्तों कोटि दूसरा होता है, तो दूसरा यानी कि 10 आपका आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका, सेक स्क्वायर ए -10² का मान क्या होगा, दोस्तों 1 होता है, आपका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, एक्स और वाई और जेड एपी में है, तो वाई का मान क्या होगा दोस्तों, आपका बीच देखो फॉर्मूला होता है, बीच वाला को 2 गुना और पहला और तीसरा का जोगफल, तो एक्स प्लस वाई, यानी कि अगर 2 यहाँ से अगर वाई निकालिएगा तो एक्स प्लस जेड और बटा में आपका 2 मिल जाएगा, तो एक्स प्लस जेड बटे 2 बटा में 2 आपको कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर एक्स प्लस जेड नहीं तो जेड प्लस एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइन ए इंटू कॉस के बराबर होता है, दोस्तों ये फार्मूला से 1 के बराबर होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, अर्धवृत्त का कोण, दोस्तों अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री का होता है, सब लोग याद रखना अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल क्या है दोस्तों, मूल वास्तविक नहीं है, तो यदि आपका क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर आपका मिलेगा ये वाला आपका मिलेगा, ये आपका डी नंबर वाला मिलेगा, जाहिर सी बात है डी नंबर वाला, क्योंकि इसका मतलब होता है दोस्तों कैपिटल डी, और जब कैपिटल डी स्मॉल लेटर लेस देन जीरो होता है ना, उसका मूल वास्तविक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि √5 से √5 से कट जाएगा ना, तो आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा परिमेय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में इसका शून्य का आपको बताना है, तो दोनों दोस्तों आपका मिलेगा ऋणात्मक, दोनों ऋणात्मक मिलेगा 12 का आंसर आपका मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, दोस्तों आपका हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, बाकी 121 का 11, 194 का 14, 289 का 17 सबका निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल बिंदु के नियामक होंगे, दोस्तों मूल बिंदु का नियामक 0.0 होता है, इसे याद रखना। दोस्तों अगला क्वेश्चन, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr² होता है, आंसर आपका मिल जाएगा 15 का दोस्तों, ए नंबर मिल जाएगा, इसे अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना, 15 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा, तो एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो दोस्तों गोले का त्रिज्या गोले का आयतन होता है दोस्तों 4/3 पाई का मान दोस्तों क्या होता है, पाई का मान 22/7 होता है, तो गुणा में हम लिखेंगे दोस्तों, गुणा में लिखेंगे 22/7, और आर का मान दोस्तों क्या है, 7×7×7, तो 7 से 7 दोस्तों एक वो तो कट जाएगा, 7 से 7 एक वो तो कट जाएगा, लेकिन दोस्तों नीचे में 3 बचेगा और ऊपर में कुछ भी आए बहुत से नहीं है, बस आंसर डी नंबर को हमको टिक लगा देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि 3, 5, 2, 5, 7, 8, 5 का बहुलक होगा, तो देखिए इसमें 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, यानी कि सबसे ज़्यादा बार अंक आपका क्या है 5 है ना, तो आपका 5 ही क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर मिलेगा 17 का सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संचयी वारंवारता वक्र, तो दोस्तों संचयी वारंवारता वक्र क्या होती है दोस्तों, तोरण होती है, आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तोरण होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका माध्यिका दोस्तों बताना, देखो माध्यिका कैसे निकालते हैं, ये आपका अंक दिया गया ना, इसको बढ़ते क्रम में सजाइए, बढ़ते क्रम में कैसे सजाएंगे, सबसे छोटा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, फिर 4 है, फिर 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7। अब देखिए आपने इसको बढ़ते क्रम में सजा दिया ना, तो अब इसमें बीच वाला मान खोजिए, बीच वाला मान क्या है दोस्तों, 4 है ना, तो आपका 4 आंसर हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम बारंबारता वाले वक्र को क्या कहते हैं, तो अधिकतम बारंबारता वाले वक्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो बहुलक वर्ग कहते हैं, आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असंभव घटना की प्रायिकता का मान दोस्तों क्या होता है, असंभव घटना की प्रायिकता का मान दोस्तों क्या होता है, तो 0 होता है, आंसर आपका मिल जाएगा दोस्तों सी नंबर 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, cos 64° / sin 26° का मान क्या होगा दोस्तों, तो 1 मिल जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। और अगला क्वेश्चन है sin θ = cos θ, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो sin θ और बटे में आप cos θ और बराबर में 1 कर दीजिए, गुणा करिएगा तो फिर मिल जाएगा, sin/cos होता है tan, तो tan हो जाएगा, और 1 tan कितना का मान होता है, तो tan 45 का, tan tan कट जाएगा, θ = आपका 45 डिग्री, आंसर मिल जाएगा, याद रखना।
देखो अगला क्वेश्चन आपका है 24 नंबर, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? दोस्तों रूट दो, रूट दो एक अपरिमेय संख्या होता है, बाकी सब हमारा परिमेय है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है ए बी का लॉस क्या होता है? दोस्तों ए बी का लॉस क्या होता है, यानी कि ए बी का लॉस क्या होगा? ए गुणे बी वटे मौसो क्या होगा? ए गुणे बी यानी कि आपका वटे में आपका क्या हो जाएगा? मौसम हो जाएगा। यानी कि आंसर आपका क्या मिलेगा दोस्तों? ऑप्शन आपका सी नंबर दोस्तों मिल जाएगा, ठीक है ना। ये 25 क्वेश्चन आपके ना भविष्य दोस्तों कल डिसाइड करेगा, अच्छे से बंद मना सबको कर लेना, ओके।